तमिलनाडु में दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वे हमें ऑफर देते हैं कि भाजपा में शामिल हो जाइए तो आपको छोड़ देंगे। किस तरह देखते हैं इस बड़े बयान को? जब सच जूते पहन रहा होता है तब तक एक झूठ आधी दुनिया की सैर कर चुका होता है। वही अरविंद केजरीवाल का हाल है कि झूठ बोलने में उनकी महारत हासिल है। भ्रष्टाचार चोरी में उलझ के रह गए हैं केजरीवाल, वरना दिल्ली में सरकार चलाना कोई इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन क्योंकि आपने चोरी की है, भ्रष्टाचार की है और कुछ ज़मीन आपके पास बची नहीं है, तो आप कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, सच अपनी सबके सामने आएगा और सबको दिखेगा भी। सर, इसी दौरान देखा गया कुछ लोगों ने नारेबाजी भी की, उस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा जब हम स्कूलों, मोहल्ला क्लिनिकों और अस्पतालों का उद्घाटन करने जाते हैं तो दूसरी पार्टियों के लोग वहां पहुंच जाते हैं, हंगामा करते हैं, कम से कम इस शुभ दिन को तो छोड़ दिया जाए। देखिए, किराड़ी की जनता उनका विरोध कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल या उनके मंत्री जो हैं वो सिर्फ पत्थर लगाने जाते हैं। मैं आपके सामने पूछता हूँ अरविंद केजरीवाल से, अभी कुछ समय पहले कैलाश गहलोत वहाँ गए थे बस अड्डे का उद्घाटन करने, उसी किराड़ी विधानसभा में जहाँ अरविंद केजरीवाल हैं, एक ईंट लगी हो तो दिखाते। मनीष सिसोदिया जो पिछले 1 साल से जेल में बंद हैं, वहाँ एक अस्पताल का शिलान्यास करके आए हैं, एक पत्थर लगाओ तो दिखा दें। वही हाल अरविंद केजरीवाल का है कि सिर्फ नाम पट्टी का लगाकर आ जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं। उसी बात का स्थानीय जनता ने विरोध किया है। सर, नोटिस को लेकर एक आम आदमी पार्टी के नेता ने सवाल उठाया है कि अरविंद केजरीवाल के यहाँ एक अधिकारी पहुँचते हैं, उनके हाथ में सम्मन होता है, लेकिन वो कोई सम्मन नहीं है, ना ही उसमें आईपीसी लिखी है, ना ही कोई सीआरपीसी का उल्लेख है। महज केवल डराने की एक कोशिश है। देखिए, वो कानून अधिकारी बता पाएंगे कि उस संबंध में क्या था, हमने तो देखा नहीं। हमें तो इतना पता है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने जाके नोटिस दिया, इनको 3 दिन में जवाब देना है। ये अपने जवाब में बता दें कि उस नोटिस में क्या था।